भगवान का रूप कहे जाने वाले अध्यापक ही जब पत्थर दिल बन जाएं, तो फिर भला इस समाज का क्या होगा। ऐसा ही कुछ हुआ बिजनौर के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जहां पर छात्रों द्वारा स्कूल की फीस जमा न करने पर स्कूल के टीचरों ने दर्जन भर से ज़्यादा छात्रों को स्कूल के कमरे में घंटों तक बंधक बनाकर रखा, जिसे लेकर छात्रों के साथ हुए जुल्म को लेकर अभिभावक बेहद नाराज नजर आए। ये तस्वीर है द्रोणा इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल की, जो बिजनौर के नजीबाबाद इलाके के मोटा महादेव में मौजूद है। पीड़ित छात्रों के परिजनों के मुताबिक दर्जन भर से ज़्यादा स्कूल के बच्चे फीस जमा नहीं करा पाए थे, जिसकी एवज में टीचर ने स्कूल के बिना पंखे के कमरे में प्यासा और शिद्दत की गर्मी में बच्चों को बंधक बनाकर रखा। बच्चों के अभिभावक चाहकर भी कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्हें अपने लाडलों के भविष्य की फिक्र है। बहरहाल स्कूल के कर्मचारियों से अभिभावक स्कूल में अपनी नाराजगी जताने जरूर आए, जिसे स्कूल के अकाउंटेंट कंप्यूटर चलाते नजर आए। स्कूल के छात्र की अगर माने तो स्कूल में 50 से ज्यादा बच्चों को बंद कमरे में बंधक बनाकर रखा गया था। हाँ बेटा, आपका उजैर, क्या क्या हुआ स्कूल में आपके साथ? हमारे स्कूल में हुआ था, मंडे के दिन हम स्कूल गए थे। स्कूल में सर ने कहा कि जिस बच्चे की फीस सबमिट है वो अलग हो जाए और जिसकी सबमिट नहीं है वो अलग हो जाए। तो तकरीबन 50-55 बच्चे अलग अलग रूम में बैठा दिए गए। बहुत गर्मी का तापमान, बहुत गर्मी थी वहाँ पर। कोई फैन वैन नहीं चलाया था, कोई बच्चा लौट रहा था, कोई कुछ बेतुके परेशान थे बच्चे। और तकरीबन 8 बजे से लेकर 1 बजे तक दोपहर के बंद रहे हम, 15 मिनट तक क्लास में बैठे रहे। ये स्कूल का नाम क्या है बेटा पूरा? स्कूल का नाम है द्रोणा इंटरनेशनल एकेडमी। कहाँ पढ़ता है? मोटा महादेव। आपने किसी शिकायत करी चीज़ की? अपने फादर से की थी शिकायत। फादर कहे थे स्कूल में वहाँ हंगामा हुआ और कहा कि ये क्यों किया आपने, कि अब हम वहाँ स्कूल में गए नहीं थे। फादर कह रहे थे हमसे कि हमने ये कहा कि वहाँ बहुत सारे पेरेंट्स आए, ये हंगामा हुआ। हाँ, मेरा नाम नफीस अहमद। नफीस जी, स्कूल का क्या मामला है बच्चों का? सोमवार के दिन जो द्रोणा स्कूल वाले हैं, उन्होंने बच्चों को किसी अलग हॉल में बंद कर दिया था। ये कह रहे कि जब तक कोई फीस नहीं आएगी आपकी पढ़ाई नहीं होगी, अगर एक तरफ बंद रहोगे। वहाँ गर्मी में परेशान रहे बच्चे, फर्श पर बैठे, कभी खड़े कभी बैठे कभी खड़े, ना पानी ना हवा ना पंखा ना कुछ। अब बच्चों ने अगर बाहर बताया कि इस तरह से हमें बंद करके रखा है दिन भर, कि जब तक फीस तुम्हारी नहीं आएगी तो इसी तरह से बंद करके रखा जाएगा। हम लोग कल गए 10 तारीख को, तो भाई ऐसा क्यों किया आपने? तो मैनेजर भी नहीं मिले, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और मैडम ने जो बोल दिया है, जो प्रिंसिपल थी, कि कल आना मिलने के लिए, आज में टाइम नहीं है। तो हम रोज़ रोज़ तो जाएंगे नहीं मिलने के लिए, हम तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, वह बात खत्म होगी। आपने किसी को शिकायत करी इस चीज़ की? नहीं, हमने किसी शिकायत नहीं करी अभी। बस अब शिकायत करें, चक्कर काटें DMSDM के या बेसिक शिक्षा अधिकारी है DMS के, किराया लगाओ, टाइम लगाओ, अधिकारी मिले ना मिले, कुछ किराया लग रहा है, क्या पता क्या शिकायत करके अपनी जेब से किराया भाड़ा भूलना। हम तो अपने बच्चों को हटा लेंगे, बस वहाँ से हटा लेंगे, हम कहीं और पढ़ा लेंगे बस। तो ये थोड़ा नहीं वही पड़ेगा, हमें यही पता चला कि इसके पास मान्यता नहीं है। इन्होंने दूसरे स्कूल के बैनर तले एग्जाम दिलाना हमारे बच्चों को, अपने बैनर तले हाई स्कूल का एग्जाम नहीं दिला सकते, तो क्या फ़ायदा पढ़ा के? वहाँ तो ऐसा हो गया पढ़ना जैसे ट्यूशन पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए हम जो है ना, किसी और स्कूल में जो मान्यता प्राप्त स्कूल होगा, जो गवर्नमेंट का होगा, उसमें पढ़ा लेंगे। देश विदेश के राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।